नजर डालेंगे खेलों के मैदान पर। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के कोच डेविड हैम्प ने तौसीह ना लेते हुए अपने ओहदे से सबकदोश होने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक डेविड हैम्प अपने कॉन्ट्रैक्ट में तौसीह नहीं चाहते। कोच का कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर में खत्म हो रहा है, उनके मुतबादिल का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद हुआ है, हम भारत को फिर हरा सकते हैं। एक इंटरव्यू में लेजेंडरी वसीम अकरम ने एशिया कप और वर्ल्ड T20 में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम पर एतमाद का इजहार कर दिया। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की जीत से वर्ल्ड कप में कामयाबी की तारीख बदली थी, अब जीत के इम्कान रोशन है, अलबत्ता सोच और प्लान जल्द फैसला कुन होंगे। इंडियन टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा बाजू की इंजरी के बाद अमेरिका में होने वाली ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। सानिया मिर्जा ने अमेरिकी ओपन 2022 से बाहर होने का ऐलान माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए किया। सानिया मिर्जा ने लिखा कि आज मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। 2 हफ्ते कबल कनाडा में खेल के दौरान मेरा बाजू और कोहनी जख्मी हो गई। गुज़िश्ता रोज स्कैन की रिपोर्ट आने से पहले तक मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना नतीजा सामने आएगा। अफसोस का इजहार करते हुए उनका मजीद कहना था कि वो कुछ हफ्तों तक टेनिस नहीं खेल सकेंगी और वो US ओपन से बाहर हो गई हैं।